आरटी पेशेंट का हम एक शॉर्ट फिलर और बोटॉक्स करेंगे। आपको शादी का कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल, तो जब से शादी हुई है तब से ही सेक्स में दिक्कत है आपको? हाँ, समस्या रहती है, फर्स्ट टाइम नहीं हो पाता, सेकंड टाइम हो जाती है। फर्स्ट टाइम आपसे हो ही नहीं पाता, यानी पहले ही निकल जाता है? यस सर। और सेकंड टाइम हो जाता है? होता है सर। अब क्या ऐसा भी है कि सेकंड टाइम में दिक्कत हो रही है? अब तो सेकंड टाइम पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, इरेक्शन नहीं आ पा रही है सेकंड टाइम। सेक्स नहीं कर पाते यस सर। बेसिकली 8 साल से समस्या है रोने के लिए। तो पेशेंट को हमने बता दिया कि हम पी शॉट करेंगे, कुछ दवाइयाँ दे देंगे, फिलर कर रहे हैं, बोटॉक्स कर रहे हैं। पी शॉट फायदा करेगा इरेक्शन में, और ये जो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, इसमें फिलर फायदा करेगा क्योंकि ये स्प्रे भी यूज़ करते हैं और उस स्प्रे से आपकी इरेक्शन खत्म हो जाती है। इरेक्शन मतलब इनिशियल में रहती है, लेकिन जैसे वो वजाइना का हीट फील होता है ना, वैसे खत्म हो जाती है। तो मतलब लूज इरेक्ट पूरा नहीं रहता इरेक्ट, लेकिन लूज हो जाता है, लूज हो जाता है बीच में। तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया कि ये आइडियल केस है फिनाइल इम्प्लांट के। यंग है, 8 साल से प्रॉब्लम है, दो दवाइयां हर तरह की ट्राई कर चुके होंगे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब सभी तरह के, क्योंकि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो मान के चलते हैं हम कि वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक तो लेके ही आए हैं, और उनको बहुत सालों से, और उसमें व्याग्रा भी मिक्स होती है, तो क्रॉनिक केस हो जाता है। तो हम पहले इनमें पी शॉट से ट्राई करेंगे और मेडिसिन से ट्राई करेंगे, लो डोज टेडालाफिल भी देंगे और भी मेडिसिन देंगे, एलार्जिनिन वगैरह, कैल्शियम, सब कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह। लेकिन अगर उससे ठीक नहीं होता तो इम्प्लांट आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि बहुत यंग हो, बहुत छोटी उम्र है, तो आपने पूरी ज़िंदगी करनी है। अगर अभी इसको नहीं चेक किया तो लाइफ ऐसे ही कट जाएगी, ठीक है ना। इम्प्लांट आके एक ही एक घंटे में या हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, लेकिन पहले हम ऑफकोर्स ये ट्राई कर रहे हैं, और हो सकता है आपसे ही काम बन जाए।